हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है किरण किचन के चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया, होली स्पेशल गुजिया। तो देखिए मैं यहाँ पे ली हूँ आधा केजी मैदा। तो देखिए गुजिया बनाने की रेसिपी आप लोग को साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें डाला जाएगा नमक आधा चम्मच। नमक डाला जाता है मैदे में माइन के बेरा, माइन के टाइम हल्का नमक डाला जाता है। उसके बाद से इसमें देसी घी डाला जाएगा। देसी घी डाल करके माइन करे किया जाएगा इस मैदे को। तो देखिए मैं माइन करके दिखाती हूँ आप लोगों से। तो देखिए यहाँ पे माइन हो गया है, इस मुट्ठी में बंधा रहा है तो पता चलता है कि माइन हो गया है गुजिया को। देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। इसमें हल्का हल्का पानी दे करके इसे डो लगाना है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगाया जाता है गुजिए के डो में। तो इसमें हल्का पानी दे करके इसे डो बनाना है, ना ज़्यादा टाइट ना लूज। इस देखिए यहाँ पे मेरा डो बन करके तैयार हो गया है। अब इसे रेस्ट करने के लिए ढक करके कॉटन कपड़ा से रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने खोया ली हूँ, मैंने मार्केट से मंगाई हूँ ये खोए। देखिए 1 केजी खोया है, ये मावा मार्केट वाली खोआ है और ये मावा। तो देखिए मैं इसे टुकड़े में कर दे रही हूँ। 1 केजी ये मावा है। तो चलिए अब इस मावा को हम गर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं गैस को जला दिए हैं, उसमें इसे मिक्स कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे खोआ को गर्म किया जाएगा 10 मिनट तक ले इसको गरम करना है, ताकि इसमें सोनापन आ जाए इस खोआ में। तो देखिए यहाँ पे खोआ बनकर के तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। तो अब इसे ठंडा करना है। ठंड हो जाएगा तब इसमें चीनी डाला जाएगा, पीसी हुई चीनी डाला जाएगा इसमें। तो मैंने यहाँ पे खोआ 1 केजी ली हूँ, तो उसमें 300 ग्राम पीसी हुई चीनी डाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ठंड हो गया है एक खोआ, तो इसमें डाला जाएगा ये पीसी हुई चीनी 300 ग्राम। बारी बारी से डाल करके इस पीसी हुई चीनी को मिलाया जाएगा इसमें। तो देखिए मिक्स कर दिया जाएगा इस चीनी को। मैंने यहाँ पे 1 केजी खोवा में 300 ग्राम चीनी ली हूँ, पीसी हुई चीनी। तो देखिए कितना बढ़िया एक खोवा बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है खोए वाला गुजिया। तो देखिए यहाँ पे खोआ तैयार हो गया है, उसमें अब डाला जाएगा ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे ली हूँ काजू 100 ग्राम कट करके, 1 पिस्ता बादाम, 1 किशमिश, 1 भूकी हुई इलायची। इस काजू को डाला जाएगा इस मावे में। उसके बाद से पिस्ते बादाम डाला जाएगा, किशमिश डाला जाएगा, पीसी हुई इलायची डाला जाएगा। इलायची डाला जाता है स्वाद फ्लेवर के लिए, खुशबू आने के लिए, इलायची स्वादिष्ट लगने के लिए। तो देखिए इस सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल करके, फूड को डाल करके मिला दिया जाएगा, बढ़िया से मिक्स कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा मावा तैयार हो गया है कितना बढ़िया। तो मैं चलती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा
ये गुंजिया वाला आटा भी तैयार हो गया है। इसे हल्के हाथे से थोड़ा मसल दे रही हूँ। इसे मसल दिया जाएगा ताकि इसमें दरार न आए बनाते समय, फटे ना। नहीं तो इसमें दरार दरार दिखने लगता है, फटने लगता है। तो इसे हल्के हाथों से हम मसल देंगे, बारी बारी से, बहुत बढ़िया से हाथ से मसल देना है, रगड़ रगड़ के, ताकि ये मुलायम हो जाए। तो देखिए आप लोगों से मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट मुलायम हो गया है ये आटा, गुंजिया वाला आटा। तो देखिए मैं इस तरह रोल कर दे रही हूँ, रोल करके इसे तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इस चाकू के सहारे इसे कट कर दिया जाएगा, कट करके इसे लोई बनाया जाएगा। इतना बढ़िया सॉफ्ट हुआ है ये गुंजिया वाला आटा। तो देखिए इसे लोई बना करके इसे बेलन से बेल दिया जाएगा। तो दिखाती हूँ आप लोगों से। और वहाँ पे मैंने मैदा ली हूँ, उस मैदे में पोट करके इस बेलन से बेल दिया जाएगा पूरी के आकार में। ये मावा आली गुजिया बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में। देखिए मैं यहाँ पे चार पांच बना करके रख दे रही हूँ। रख करके तब मैं बारी बारी से उसमें मावा भरूंगी, खोवा जो मैंने बनाई हूँ। देखिए न ज़्यादा मोटा बेलना है न ज़्यादा पतला, मीडियम में बेला जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पे मैंने जा रही हूँ गुजिया बनाने यहाँ पे। तो देखिए इसमें मावा डाल करके भर करके इसके किनारे किनारे पानी पुट कर दिया जाएगा ताकि इसका मुंह खुले ना। फ्राई करते वक्त दूध से भी पोट किया जाता है इसके किनारे। तो देखिए मैं दिखाती हूँ इस गुजियों को, हाथ से भी बनाया जा सकता है लेकिन हमारे पास प्लास्टिक का है ये गुजिया बनाने वाला मशीन, तो मैं उसमें डाल करके बना दे रही हूँ। तो देखिए मेरा ये गुजिया बन जाता है। तो आप लोग उसे दिखाती हूँ मैं बारी बारी। उसको किनारे किनारे पानी लगाया जाता है ताकि उसका मुंह छोड़े ना, पकड़ ले रहे, तलने के समय फाटे ना, नहीं तो उसका मुंह खुल जाता है। देखिए कितना बढ़िया डिजाइन वाला बन करके तैयार होता है गुजिया, बहुत ही बढ़िया।
प्योर दूध का ये खोया से बन रहा है गुजिया। देखिए कितना बढ़िया बन रहा है। और यहाँ पे मेरा कढ़ाई गरम हो गया है, अब उसमें डाला जाएगा तेल। देखिए यहाँ पे चेक करके दिखाती हूँ आप लोग से, तो तेल गरम हो गया है। तब इसमें बारी बारी से डाला जाएगा ये गुजिया, डाल करके फ्राई किया जाएगा। इसके इस गुजियों को पकाया जाएगा सिम आंच पे, तेज आंच पे नहीं पकाया जाएगा। तो देखिए इसे अलट पलट कर पकाया जाएगा बारी बारी से। तो देखिए इसे पलट दिया जाएगा, क्योंकि नीचे वाला भाग पक गया है, ऊपर वाला भाग को पकाना है बहुत बढ़िया से सिम आंच पे। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया कुरकुरी क्रिस्पी ए गुजिया बन करके तैयार हो गया है। तो अब इसे निकाल दिया जाएगा इस कलछी के सहारे से। देखिए तो पूरा बन जाता है, तो आप लोग से दिखाती हूँ। तो ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, और बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। प्लीज़ लाइक कर देना ये गुजिया बनाने वाली रेसिपी को। टेक केयर, बाय बाय, लाइक कर देना प्लीज़। टेक केयर।